अमर शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोअज़्ज़ज़ अरकीन कौमी असेंबली पाकिस्तान, मैं रब्बुज़ जलाल के सामने इंतहाई आजी व इनकसारी के साथ सरगुनू हूँ जिसने अपने इस अदना बंदे को तीसरी मरतबा इस बावकार मनसब पर फाइज किया। तीसरी दफा इस मनसब के लिए मुझे नामजद करने पर मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। मैं सदर मुस्लिम लीग नून जनाब शहबाज शरीफ साहब, जिनके साथ गुज़िश्ता 5 साल में काम करने का मौका मिला और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, उनका और अपनी जमात का तमाम साथियों का मशकूर हूँ। साथ ही साथ मैं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे तीसरी मरतबा एतमाद का वोट से नवाजा। मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का भी शुक्रगुजार हूँ अपने एतमाद में लेने का। मैं MQM के पार्लियामेंट्री लीडर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उनका और उनकी जमात का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दूसरी मरतबा मुझे एतमाद का वोट दिया। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब और सालिक हुसैन साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस मनसब के लिए प्रपोज किया। मैं इस्तकाम पार्टी के सदर मोहतरम अलीम खान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस मनसब के लिए वोट दिया। मैं बलूचिस्तान पार्टी के लीडर, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लीडर मेरे छोटे भाई खालिद मक्सी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। मैं NA 120 के अवाम वोटर्स सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखसूस सुहेल शौकत भट्ट, मलिक हबीब अवान, नईम शहजाद भट्टी साहब और बाकी कारकुनान जिन्होंने मुझे मेहनत करके इस मनसब पे पहुंचाया। मैं मोहतरम मैं जनाब आमिर डोगर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस जमहूरी अमल में हिस्सा लेकर जमहूरियत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा किया। आमिर डोगर साहब, आपने मुझे हमेशा इज्जत दे के अयाज भाई कह के बुलाया और इंशाल्लाह बड़ा भाई बन के दिखाऊंगा। मेरे स्पीकर असद कैसर साहब, जिनको मैं हमेशा स्पीकर कहता हूँ, ये मेरे भाई अली मोहम्मद साहब, शेरियार आफरीदी साहब, बेशुमार मेरे दोस्त भाई बैठे हैं जिनके साथ सियासत से हट के एक दिल का रिश्ता भी है। और मैं मुझ में और आप में फ़र्क कोई नहीं, मैं भी आप ही की तरह एक MNA हूँ और मुझे ये जो जिम्मेदारी दी गई है ये बड़ी एक वक्ती जिम्मेदारी है और ये वक्ती जिम्मेदारी पलक झपकते ख़त्म हो जाती है। मैं बतौर स्पीकर पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कानून कायदे के मुताबिक ये जहन में रख के कि हुकूमत और अपोजिशन एक हिस्सा है, एक दो पहिए हैं एक गाड़ी के, इंशाल्लाह बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करूंगा। और जब मैं इस कुर्सी पे नहीं होऊंगा, स्पीकर मैं इस कुर्सी पे हूं मगर इस कुर्सी के अलावा आपका भाई और आपका दोस्त हूं। सियासत के साथ साथ नए रिश्ते भी बन जाते हैं और ये हमने देखा कि सियासत के ये मेरे 23 साल के सफर में ऐसी दोस्तियां बनी, ऐसे भाईचारा जो मैं अपना एक एसेट समझता हूँ और वो इंशाल्लाह सारी उम्र रहेंगे। इख्तलाफात अपनी जगह मगर ताल्लुक और इज्जत के रिश्ते कायम रहेंगे इंशाल्लाह। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे आप सब के लिए हमेशा खुले हैं और उसको मेहरबानी करके अपना दफ्तर समझिएगा। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को पुरानी माजी भी याद होगा कि जब आपके लिए ये दफ्तर आप ही का होता था। मैं यहाँ 16वीं सदी के बरतानवी स्पीकर विलियम लेंथन की तारीखी अल्फाज जरूर दोहराऊंगा। ये ऐसे अल्फाज हैं जो दिल को लगते हैं। इस ऐवान में ना तो मेरी अपनी कोई आंख है
जो देख सके और ना ही अपनी कोई जबान है जो बोल सके, माँ सिवा इसके जो ये ऐवान मुझे दिखाता है और मुझसे बुलवाता है, मैं इस ऐवान का खादिम और वफादार रहूंगा इंशाअल्लाह। स्पीकर के मनसब पर बैठकर मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं आपको बोलने दूं और खुद कम से कम बोलूं, ताकि आप इस ऐवान को अपनी राय के इजहार से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। मेरी हुकूमती और अपोजिशन के बेंचों से गुजारिश है, इख्तलाफ जरूर करें क्योंकि इख्तलाफ जमहूरियत का हुसन है, लेकिन इख्तलाफ जातियात के बजाय इस्लाहात और मुल्क कौम की बेहतरी के लिए करें। हुकूमत का काम है कारकर्दगी दिखाना और मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालना, जबकि अपोजिशन का काम इसकी इस्लाह के लिए तनकीद करना है। लिहाजा ये ऐवान हुकूमत और अपोजिशन के बगैर नामुकम्मल, ये इंशाल्लाह बगैर मुकम्मल नहीं। आज हमारे मुल्क की सियासत में जो तलखियां आ गई हैं पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह। मैं लिहाजा मेरी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि आप सब के तआवुन के साथ हम कोई नेशनल कंसेंसस बिल्ड करें, हम एक दूसरे की ढाल बने, हम एक दूसरे को का एहसास करें, हम ये नेशनल कंसेंसस पैदा करें, दूसरे की बात को बर्दाश्त करें, एक दूसरे की बात सुनने का हौसला रखें और ज़ाती तनकीद के बजाय वो काम करें जिसमें पाकिस्तान का मफाद है। मेरी ये भी ख्वाहिश होगी कि हम मुल्क को दरपेश मसाइल पर सियासत करने के बजाय मुफामत और मुश्तरका हिकमत अमली के साथ इन मसाइल को हल करें। हुकूमत और अपोजिशन गाड़ी के दो पहिए हैं, इन दोनों को साथ बिठाना और साथ चलाना और मुशावर करना मेरी जिम्मेदारी होगी, जिसमें मैं ऐसन तरीके से सरंजाम देने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। एक फाल प्रेस के बगैर ऐवान नामुकम्मल है। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन का भरपूर तआवुन मुश्ताक हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये ऐवान आपके हकायक का मुहाफिज होगा। आज तमाम पाकिस्तानियों की निगाहें इस मौजज ऐवान और सब पर हैं। ये फैसला अब हमें करना है कि हम जाति पसंद नापसंद में उलझते रहें या कौम के अहम वाबस्ता उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करें। मुझे आप में से एक एक मौजज रुकन की सलाहियतों का पूरा भरोसा है और मेरी दुआ है कि हम सब मिलके वतन अजीम से को अजीम तर बनाएं। हमें सियासी वाबस्तगों से बढ़कर मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना पड़ेगा। हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं हुकूमत अपोजिशन में तफरीक ना करूं, इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को जिम्मेदारी दे। और एक बात याद रखिएगा, मेरी तरफ से इंशाल्लाह आप में से किसी की इज्जत में कमी नहीं आएगी। शुक्रिया जी। जी आमिर डोगर साहब।